का सुनाता हूँ। देखो शुरू में कराची में दादी भी आपकी टेलर सिलाई सिखाती कहते सीखा, तो कराची में जब गुलजार दादी आई उनके माँ लेके दो बच्चों छोटे छोटे बच्चे तो सबको बच्चे बाबा लेके आते थे और बाबा कहते था कि थोड़ी माताओं को सिखा था टेलरिंग सीखा वो, फिर बाबा वो की धुनी करता था वो जैसे अभी आपने किया। छोटे छोटे बच्चे क्लास में जाते थे, रामलीला देखते थे, श्री कृष्ण की लीला देखते थे, सत्युग देखते थे, नाचते थे। तो एक भाई देखता था तो वो टेलरिंग सिखाने आता था तो वो देखता था ये सब हॉल में सब नाच रहे डांस कर रहे ये कौन सा राज हो गया। वो जाके बाहर पत्रकारों को बताता था कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसा हो रहा है, तो पत्र में न्यूज़पेपर में लिखते थे ब्रह्मा कुमारी में ऐसा चल रहा है, बहुत बदनामी हुई, अमेरिका तक गया, हो गया बदनामी हुई बहुत। अब वो बुजुर्ग हो गया 80 साल का हुआ, गुजरात में बड़ौदा में उसके बच्चे आए तो पाकिस्तान से वो भी बड़ौदा में रहा, तो बड़ौदा में आज से 5-10 साल से होगा 5-6 साल हो गए, तो वहां प्रदर्शनी लगाई तो वो देखने के लिए गया, अरे यही दादा जिसकी मैं बदनामी करता था, मैं जाके पत्रकार को बताता था। तो ये ज्ञान सब सुना और बहन जी को कहा बहन जी मैंने बहुत पाप किया, मुझे बाबा से मिला मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं इनकी सब गलत बातें पत्रकार वालों को बताता था इसके कारण बहुत बदनामी, मुझे माफ करो, ये ज्ञान इतना बड़ा बाबा ने इतना किया। तो कहा ठीक है माउंट अबू अभी बाबा तो नहीं है गुजरात आने के तन में आते आपको ले जाएंगे। तो एक दिन ले गया और स्टेज पर लेके गए, बाबा मैंने आपको समझा नहीं, मैंने आपकी बहुत निंदा किया, मेरे दोनों हाथ काट लो। ये दोनों हाथों ने पेपर में लिखने के लिए लिखा, लिख के देता था मैं, मुझे आज 20,000 दे दो, दोनों हाथ काट लो। बच्चे वह जाने आपने महसूस किया ना यही आपके लिए सजा है, महसूस भगवान सजा नहीं देता माफ करता है। आपने महसूस किया कि मैंने गलत किया, नहीं तो मनुष्य गलत करने के बाद भी महसूस नहीं करता है मैंने नहीं किया है ना, इसलिए कहते हैं आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी चेंज, महसूस करने के बाद ही परिवर्तन होता है, पश्चाताप कहते हैं। तो उसने पश्चाताप किया कि मैंने गलत किया मैं माफी मांग, अभी 80 साल का हो गया, गलत कितने साल बाबा ने कितना साल किया अमेरिका में तब गया न्यूज पेपर में है ना, कौन सुनाता था, ये व्यक्ति आता था अंदर देखता था तो बाबा ओम की धुनी करता था शुरू में, सब छोटे छोटे बच्चे क्लास में जाते थे, अभी भी मधुबन में हो बाबा के पहाड़ी पर जाते छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे क्लास में जाते हैं बाबा की पहाड़ी मधुबन में, सुना ना छोटे बच्चे स्कूल के आते हैं तो वहां बाबा के पहाड़ी पर ले जाते तो वहां योग करने के लिए बिठाते हैं, कितने बच्चे क्लास में जाते, ऐसी पहाड़ी है ऐसी बाबा की देन है। तो ऐसे बच्चे भी कोई निकलते हैं बदनामी करते हैं, किसकी, भगवान का निंदक वो पता चला उनको तो भगवान नहीं दिखाई देता था, उनको दादा ही दिखाई देता था, अभी कोई कहे दादा ही है भगवान ही पता चलेगा किसी को दिखाई देगा, अरे दादा के मनुष्य का चित्र रखा है, लेकिन वो कौन मनुष्य है,